वो मजाक होता होता इतना हो गया कि अमन के डीएम्स भी पूरे भर गए थे इसी अबे चीज कार में से। बदनाम कर देती है इसने मैंने क्या किया, मार क्यों रहा है, लिटरली मारने लग गया मेरे को, इसने बेकार थप्पड़ में मारा है, यार, मेरा क्या बाल है, सुन्न हो गया था, अब मत क्या है मारियो। यार, फिर मेरे को तो पूरा हक्का, फिर मार तो खाएगी ये। नहीं वो डर रहा है, आराम, मुंह बंद कर। नहीं मिट्टू आ जा और अब जाके बाल कटवा के, और सुंदर सा बन गया, वीडियो वालों को दिखना चाहिए। धीरज ना कटिंग नहीं करा रहा था तो अमन ने एक तरीका करा जिससे कटिंग करा लेगा, दिखा इधर की। मुझे लगता है इसको किसी ने मना करा होगा, मैं भी मैं नहीं खाती, आप भी मत खाया करो। मैं रिवील करती हूँ उसकी गर्लफ्रेंड का नाम जी। मॉर्निंग टू ऑल माई यूट्यूब फैमिली, आज तो दिन की शुरुआत हुई बेड पे ही है, एक्चुअली कैमरे की शुरुआत ही बेड से हो गई है। रीजन मैं बताती हूँ, आपने लास्ट टू लास्ट ब्लॉग देखा होगा जिसमें अमन की शादी के बारे में कुछ डिस्कशन हुआ था। ओ मेरा तो व्हाट्सएप, मेरे फोन कॉल्स, मेरा इंस्टाग्राम डीएम कॉन्ग्रेचुलेशन से भर गया है, और मेरा तो मेरा अमन को भी, मम्मी को, रिश्तेदारों के कॉल आ रहे हैं। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, अभी अमन की शादी नहीं है, इसने तो इतना डांट लगाई है कि तूने मेरी शादी का बोल दिया। एक्चुअली क्या था, जब हम मैकडी में बैठे थे तो किसी रिलेटिव्स की कॉल आई थी, वो किसी और की शादी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो आरव को मिसअंडरस्टैंडिंग होगी कि अमन भैया की शादी है, तो हमने भी मजाक मजाक में कह दिया हाँ है। उसके बाद आगे हम जब शादी की शॉपिंग के लिए गए थे, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है नेक्स्ट वीक, तो हमने वो चीज़ वहां पे ऐड कर दी कि अमन की शादी है, तो वो मजाक होता होता इतना हो गया कि अमन के डीएम्स भी पूरे भर गए थे इसी चीज से। बदनाम कर देती है इसने। मैंने क्या किया, मार क्यों रहा है, लिटरली मारने लग गया मेरे को, इसने थप्पड़ मारा है, मेरा बाल सुन्न हो गया था, अब मत मारियो। मेरे को तो पूरा हक्का, फिर मार तो खाएगी ये। यार मार के तो खुद भी तो, अब तो चस्के ले लेके दूल्हे वाली पगड़ी भी पास, हेरा भी डाल रहा है, तब तो बैठ रहा था यूं करके। ट्राई करके देख लो, मैंने चल ट्राई करवा। ऐसा क्या ट्राई कि तू अपना पहले तो खुशी खुशी में कर रहा था और बाद में जब हो गया तो मुझे बोला कि सब तूने किया। ऐसा बोला मम्मी को दिखाएंगे, मम्मी खुश हो जाएगी। अब मैंने खुश होने के चक्कर में उल्टा मुझे ही मार पड़ जाएगी, वो तो मुझे पता ही नहीं था। ऐसे में मजाक नहीं करना, मुझे लगा एंडिंग कर दी होगी इसने। एक्चुअली क्या था, मैंने उस दिन सोचा था कि उसी वीडियो में हम लास्ट में रिवील कर देंगे कि ये मजाक था, आके मैं एडिटिंग करने लगी मतलब, तो थोड़ा बिजी हो गई, वो चीज मेरे माइंड से स्किप होगी कि वो चीज हमने बोलनी है कि वो एक प्रैंक था। लेकिन ना बोलने के चक्कर में सबको ये लग गया कि सच में शादी, रिश्तेदार तो सारे नाराज हो गए कि अमन की शादी और बुलाया नहीं। ऐसा मुझे बोल रही है भाई, शादी आपने हमें नहीं बताया। अमन की गर्लफ्रेंड से नाराज हो गई अमन से। एक और आएगा फिर पीछे से। नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, चलो अब मैं उठती हूँ, अभी मैंने हेड वॉश के लिए सैलून जाना है, उसके बाद आज बहुत सारे काम है वो कर लेते हैं, वरना इससे पहले कि एक और है मैं यहाँ से निकल लेती हूँ टाइम से। कर दी ना बाल खराब, इसको और कुछ आता ही नहीं है, यही कर सकता है। अभी मैं जस्ट हेड वॉश करा के आरावली की शॉप पर आई हूँ, वैसे तो ये कोई दिन की शुरुआत नहीं है, ये तो आफ्टरनून है अभी। आई एम हेयर बिकॉज मुझे आरव की मम्मा के साथ मार्केट जाना है फॉर टेकिंग सम क्लोथ्स, जाके देखते हैं कुछ मिलता है नहीं। वैसे भी यहाँ पे 5 बजे लॉकडाउन हो जाता है, सब कुछ बंद ही हो जाएगा, उससे पहले जाकर आना है मार्केट, काफी दिन से काम पेंडिंग पेंडिंग चल रहे हैं। बाकी 6 बजे हो गया लॉकडाउन का टाइम, 6 बजे हो गया लॉकडाउन का टाइम, आज से हुआ कल से हुआ था, कल से हो गया। अच्छा मतलब कल से हो चुका है बट मुझे पता नहीं था। और बाकी आजकल इससे मुझे दुखी करना कम कर दिया, शरीफ बच्चा बन गया, ये साहू बन गया। जैसा कि मैंने कहा था मैं आरव की मम्मी के साथ आई हूँ किरण फैब पे मतलब कपड़े खरीदने के लिए, आरव की मम्मी तो आ रहे हैं फिलहाल, आरव मेरे साथ है, हम दोनों एक्टिवा पे आगे पास में ही है, वो पैदल आ रहे हैं। हमारे सदर बाजार में फेमस शॉप है किरण फैब, यहाँ पे हम आए हैं, देख लो ये है वो फेमस शॉप, अब यहाँ से हम शॉपिंग करेंगे मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी के लिए। और ये लड़का पूरा बेचैन हो गया कि इसकी माता कह रही है काफ़ी दूर है, मेरे को तो खैर दिख गया, ए ए कहाँ गए, गैप ही हो गए। वो जो ये आंटी आ रहे हैं ना, इन आंटी के पीछे ही आ रहे हैं। किसके मत्थे पे गोली मार दूँ, मैं आई हूँ आगे, मार मत्थे पे गोली है नहीं, गोली दो। अच्छा गोली भी मैं दूँ, मतलब मत्थे पे मार रहे हैं मुझे, गोली भी मैं ही दूंगी, पागल थोड़ी हूँ मैं, अपने ही मत्थे पे खुद भी गोली मरवाऊंगी। मरवाओगे आप? क्यों मरवाऊंगी, पागल दिख रही, चल देखते कुछ पसंद आएगा, नहीं पसंद आया तो कहाँ लेके जाओगे यार। एक तो ना 4 दिन रह गए ब्याह के लिए, अभी तो कपड़े नहीं डिसाइड हुए मेरे यार, ये कलर देख के मुझे तो कुछ कुछ होने लग पड़ा,
डालती नहीं हूँ ऐसे ऐसे कलर जैसे। क्या कह रहा है जल्दी बोल, तो बोल ले बेटा जो मर्जी बोल, अच्छा तो लग रहा है। चलो करती हूँ अभी। आरव कैसा लग रहा था जल्दी बोल, बढ़िया लग रहा है। कौन से वाला, ग्रीन वाला या ब्लैक वाला? चल देखती हूँ मम्मी के तरीके आन दे फिर डिसाइड करती हूँ। तू हर जगह गेम तो खेलने लग पड़ता है, क्लासिक आलू लगूंगी मैं। नहीं, क्लासिक आलू लग रहा है। तू गेम हटक दे, हर जगह ना अलग मत जाया कर। करके देख तू, कर ऐसे थोड़ी मजाक थोड़ी हो रहा है। बाल इतने सही लग रहे हैं ना आज, मतलब तो सैलून से वॉश कराती हूँ उसके बाद ज्यादा मस्त लगता है, घर पे करती ना इतना मजा नहीं आता। तो फाइनली मैंने जो सूट सिलेक्ट करना था वो कर लिया, एक दो और देखे कौन सा लिया वो आपको अभी नहीं बताती हूँ, फंक्शन में डालेंगे तो पिक्स में पता लग ही जाएगा। बाकी इसकी माता के पास सूट देने जा रही हूँ, अभी घर नहीं लेके जाऊंगी, मेरी हिम्मत नहीं है मम्मी से डांट खाने की, क्योंकि इतने ज्यादा कपड़े हुए पड़े। मम्मी तो ये कहते हैं कि अब और कपड़े लेकर आई ना घर से बाहर निकाल दूंगी, तो अभी ये वाला सूट मैं जाए इसकी मम्मी की शॉप पे रखती हूँ, फिटिंग वगैरह तो वहीं होनी है, उसके बाद जब लेंगे तब तो मम्मी देख ही लेंगे। एक्टिवा और चलाएगा आज, निकाल वही निकाल, देखते हो कितने अच्छी एक्टिवा चलाता है तू। निकाल दुकान की तरफ निकाल, उधर कहाँ है उधर है दुकान, तू इधर चल, ये ना कट बीच में, चल जल्दी मोड़। इतनी बुरी हालत हो रखी है ना बाजार की, जाना आना मुश्किल हो गया, कैसे तो बंदा निकल के जाए यहाँ से, सारे जूतों का नाश मर गया यहाँ तो। 6 भी बजने वाले हैं ना, फिर लॉकडाउन लगने वाला है। आरव को मैंने उधर खड़ा कर दिया था, इधर काफी रश हो रहा था पुलिस वगैरह वाले थे ना, तो अब गए मेरा वेट कर रहा है, पता नहीं कहाँ है वो, एक्टिवा खड़ी करके ही आ गया। चलो भाई चल जल्दी कर, मुछे काटनी है तेरी, देख हमारा ट्रिमर रेडी हो गया, जल्दी कर। क्यों नहीं कटवाऊंगा, रीजन दे दे क्यों नहीं कटवाऊंगा, अभी तो कहता शिवम कटवाएगा तो मैं, शिवम से तू क्या ले, चल खड़ा हो। क्यों बोलेंगे, जब शिवम कटवाता तब ना बोलते पापा तेरे, इसको बड़ा शौक है मुझे, कोई नहीं काटनी इसकी मुझे, मच्छे रहने है अभी तेरी मुझे, कोई दिखा कोई नहीं है मुझे, मुझे तो मर्दी नहीं है, अभी तो बच्चा है लड़का है, नहीं कर ली आराम, मास्क ऊपर कर ले, मास्क अब क्या हो गया, इट्स ओमनी वायरस टाइम, नहीं कटवानी मिटू आ जा, और अब जाके बाल कटवा के यार, सुंदर सा बन गया, वीडियो वालों को दिखना चाहिए। धीरज ना कटिंग नहीं करा रहा था, तो अमन ने एक तरीका करा जिससे कटिंग करा लेगा, दिखा इधर की, इधर से ऊंचा कर दिया, हाथ तो हटा देखना तुझे, ये देखो और इधर ही गई, चल अमन इक्वल कर दे, अच्छा लगता, कटिंग कराने तो जा नहीं है इसने, कर 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 शनिवार ढंग से कर, हाँ सीधा कर, जल्दी कर सीधा, कर जल्दी कर, ठीक। अच्छा बिना चाबी के एक्टिवा चला लेगा तू, है क्यों दो डीसी लग रहा, 17 साल का भी नहीं है अभी तो, 18 तो दूर की बात है, 15 की भी नहीं है अभी, 15 का भी नहीं है, हाँ देती तेरे को। अब हम जा रहे हैं, मैं धीरज आरव, अभी शिवम आ रहा है, अमन भी आ रहा है, अब हम जाएंगे कुछ खाने पीने, क्योंकि आज मौसम थोड़ा ठीक है, एक्चुअली लॉकडाउन तो 6 o'clock तक है, मतलब उसके बाद है 6 o'clock के बाद, बट खाने पीने की फास्ट फूड की शॉप रेस्टोरेंट ये सब खुले हैं, तो आज हम कुछ खाने पीने जा रहे हैं, मेरे फोन की पार्टी देनी है ना इन्हें, वो अभी दी नहीं है। अब ना हम यहाँ पे आए हैं, फुटबॉल चौक है हमारे यहाँ पे बहुत ही फेमस, पहले तो एक हाथ बना हुआ था उसके ऊपर फुटबॉल थी, अम्बालावासी को तो पता ही होगा, तो हम यहाँ बैठेंगे, शिवम और धीरज साइकिल पे आ रहे हैं, यहीं पे आज हम अपनी पार्टी करेंगे, आज हम सूप पकोड़े चिकन सूप पकोड़े वगैरह यही सब खाने वाले सारे हमें। हाँ अमन को मेरे पे विश्वास ही नहीं होता कि मुझे शूट करना नहीं आता, जब मैं स्टार्ट करूंगी वाइड एंगल है ना, वाइड एंगल है ना, हाँ भाई मुझे पता है, मेरे फोन बदल लिया, वाइड एंगल ही है, तेरा मुंह बड़ा नहीं आ रहा है यहाँ तक, तेरा मुंह इतनी दूर ही आ रहा है,
वो हायन में फुटबॉल थे ना उस जगह, ये मतलब ये फुटबॉल चौक की निशानी है ना, इसके इस साइड पे स्टेडियम है, फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है, ये इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है अम्बाला के अंदर, बन रहा है अभी, मैं तो काम चालू है, बनेगा चुप कर। कंटोनमेंट एरिया अम्बाला अम्बाला में हो ही नहीं सकता, ऐसा भी है, हमें प्लेयर की फैसिलिटीज बताओ कहाँ मिलेगी, ऐसा भी है, तुझे बड़ी नॉलेज है, चलो देखते हैं। ये कह रहे हैं अम्बाला कंटोनमेंट एरिया ना, इसलिए अम्बाला में यहाँ पे ये इंटरनेशनल क्रिकेट फुटबॉल स्टेडियम नहीं बन सकता, नेशनल जा सकते, चलो देखते हैं। यार बाकी ना ये सिटिंग बहुत अच्छा बना रखा है इन्होंने, मतलब कोई आ रहा है, यहाँ पे भी काफी फास्ट फूड की रेहड़ियाँ है, यहाँ पे भी है, और धीरे जैसे बच्चे साइकिलिंग भी कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये अच्छा है सिस्टम यहाँ का, आई रियली लाइक इट। आ जाओ भाई बैठते हम, आ जाओ शिवम, आ जाओ आ जाओ, अच्छा लेकर आ जाओ, ले आवे ले आ, आए हाय बड़े दिन बाद। बताओ भाई अमन और आरव कैसा बना, बढ़िया यमी है ना, अमन अमन तो पहले भी मेरे लिए लेकर आता था, ज्यादा छोटा होता था। हाँ जी शिवम जल्दी जल्दी बोल कैसा है, बढ़िया ना, चल फटाफट फिनिश करो, चले फिर आगे। चलो हमने यहाँ पे पार्टी पुटी तो कर ली है, वैसे भी लॉकडाउन का टाइम हो गया है, और ऊपर से इसने 100 रुपए घुमा भी दिए, आज क्या करता है शिवम, कमाल करता है यार, 100 रुपए गिरा दिए, 100 रुपए नहीं संभाल सका तू, 100 रुपए जा यार शिवम जा, तूने तो आज मजाक ही कर दिया है, कहाँ गए, कह रहा भैया ने घुमाया, अमन कह रहा भैया ने घुमाया, मैंने नहीं घुमाया, चलो चलो आरव को छोड़ के आना, ये तो खोलो भाई, यहाँ से सिर्फ आरव को घर छोड़ने जा रहे हैं, उसके बाद धीरज ने कुछ खास खाया नहीं है, वो नॉनवेज में इतना इंटरेस्टेड नहीं था, तो देखते हैं उसको कुछ और फास्ट फूड वगैरह खिला देंगे। लॉकडाउन के बाद बाजार कैसा लगता है, सारी दुकानें दुकानें बंद, सब लोग घर की तरफ जा रहे हैं, इस टाइम तो ये होता है सब घर की तरफ जाए, पुलिस वाले काफी ज्यादा खड़े होते हैं। ये अब इसको लेकर आई, इसको वेजिटेरियन का भूत चढ़ा ना, तो इसको वेजिटेरियन चाप खिलाने लाई, शर्म है, कल परसों तक तो तू मुर्गे पाल रहा था, अब तेरे को क्या हो गया, कौन सा मुर्गा पाल रहा है, अच्छा मेरे साथ तूने बटर चिकन उठाया था, वीडियो दिखा दू, आवे जा चल निकम्मा निकम्मा ही आ जाओ, क्यों नहीं खा रहा वैसे, रीजन मेरे को लग रहा है ये ना, ये कह रहा था मेरी वीडियो मत बनाओ मैं खा लेता हूँ, तो मुझे लगता है इसको किसी ने मना करा होगा, मैं भी मैं नहीं खाती, आप भी मत खाया करो, मैं रिवील करती हूँ उसकी गर्लफ्रेंड का नाम जी यू, बस जी यू मैंने बता दी, बाकी आप मेरे को कमेंट करके बताना क्या लगता है इसकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या होगा, है ना, और इसकी भी सेम ही नाम की है जी यू, आगे कमेंट करके बताना क्या लगता है क्या होगा, दोनों की सेम है, दोनों फिर अट्टू कहेंगे, और इसकी तो शेरियन, क्या शेरी, आज सवेरे आके एक शायरी सुना रहा था, सुना चल, आंटी से जो चाटे पड़ते हैं ना, अच्छे अच्छे सियाने हो जाते हैं उस टाइम पे, समझा, ये तो क्रीम रोल कुलचा खा रहे हैं, मैं और धीरज खाएंगे मैक्रोनी कुलचा, चल भी धीरज उठा ले। तो यार अभी खा पी के घर आए हैं, आज तो डिनर करने का बिल्कुल मन नहीं, अगर करेंगे तो थोड़ा लेट ही करेंगे, मैंने सोचा तब तक क्यों ना वीडियो ही अपनी कंप्लीट एडिट कर लेती हूँ, लेट लाइट तक जागना नहीं पड़ेगा, और अभी तो स्कूल की भी हॉलीडेज चल रही है, तो कोशिश करूंगी डेली व्लॉग्स ही आए, एंड चलिए इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं वीडियोस लेकर आऊँ यू गॉट द नोटिफिकेशन। चलिए कल मिलते हैं नए दिन और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।